आइए नींबू ले लो, नींबू कश्मीर का नींबू ले लो, चलो 10 का 3, 10 का 2, 20। आप सभी को हमारा रितेश ब्लॉग चैनल में स्वागत है और मैं हूँ रितेश। तो आज फिर से हम नींबू बेचने आए हुए हैं, रोज ही आते हैं। तो अभी देखिए आपको बाजार का नज़ारा दिखा रहा है और आज कहीं थोड़ा बाजार खराब है, मंगलवार है, आज अच्छा रहता है लेकिन आज थोड़ा खराब बाजार लग रहा है। अभी तक मेरा नींबू एक भी नहीं पीका, 8:30 बज रहा है, आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसमें है एक डालिया और इसमें पूरा फूल भरा हुआ है और इसमें था 200 पीस, वो अभी बिका हुआ है, बिक गया और ये इतना बाकी है। दुटा दुटा 10 टके दुटा। वहाँ जबे का दुश्मनी ऑफर में खाइए जी, चलो गर्मी में ठंडा 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 कूल कूल दीजिए। 10 का 2 है 10 का 3। तो देखिए अभी मेरा और एक नींबू आया हुआ है तो इसको अभी हम ढाले हुए, इसको साइज करना है, फिर इसको भी बेचना है। इस पहले वाला बोरा का इतना डो बचा हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अभी तक जो वीडियो देखे आप, वो सिल्ली मार्केट जो कि सुबह को लगता है रेलवे फाटक के सामने, सिल्ली स्टेशन के सामने, तो वहाँ पर बेचते हैं और आपको फिर शाम का व्यू दिखाएंगे। तो वहाँ पर मतलब मेरा समय ही थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बेचना पड़ता है तो वीडियो में बना नहीं पाता हूँ। और आपको शायद ये अच्छा भी लगता होगा कि मैं सब्जी वगैरह बेचता हूँ और साथ में ब्लॉगिंग कहीं जाता हूँ तो करता हूँ, तो आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल नींबू ही बेचता हूँ ओनली फॉर, और अभी फिर शाम को एक बोरा ढालना है, साइज घर में करते हैं, तो आपको फिर शाम का थोड़ा सा मार्केट आज दिखाएंगे। तो अब मैं अभी सिल्ली मार्केट आया हुआ हूँ और यहाँ पर देखिए मेरा नींबू है, यहाँ पर भी शाम को बेचते हैं। तो आज हम आपको सिल्ली बाजार का व्यू थोड़ा दिखाएंगे किस प्रकार का लगता है, और आज एक भी भीड़ नहीं है बाजार में, थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। बोदना दादू है जो कि आलू में मशहूर है, बहुत ही अच्छा, सबसे ब्रांडेड आलू बेचते हैं सबसे ज़्यादा दाम में। इधर देखिए डुल्लू बाबू है, तरबूज नींबू इमली सब लेके, और देखिए इधर दादू है, पूरा मार्केट लग रहा है अभी दोपहर का टाइम है। इधर देखिए, इधर मेरा दादू सब्जी का दुकान लगा दिया है, लगाया है, और इधर मेरा नींबू है, मिर्चा है, और इधर आलू अभी ढालना है तो आलू ढाले नहीं, शाम को फिर इतना नींबू बेचना है, फिर सुबह को दिखाए थे कल वाला वीडियो में, तो आपको देखिए यहाँ का भी नींबू का व्यू दिखा। तो दोस्तों तो आप देख सकते हैं सब कोई इंतज़ार में है कि हम लोग का सामान कब बिकेगा, सब कोई बैठा हुआ है। और देखिए कोई कोई एक दो ग्राहक आ रहे हैं सिल्ली बाज़ार, तो यहाँ पर गाइस रोज़ बाज़ार लगता है और मैं जो है सुबह शाम दो जगह पर, तो दोनों जगह पर मैं ही लगाता हूँ और मेरा ही छोटा सा बिजनेस है। तो देखिए हमारा नींबू जो है 3 डालियाँ है, और ये जो बचता है इसे फिर सुबह को मार्केट लेके जाते हैं और फिर आता है उसको भी वहाँ पे डालता है, फिर वहाँ जो बचता है फिर यहाँ शाम को ले जाता है। देखिए मेरा दुकान इस तरह का लगा हुआ है, और उधर देखिए आलू भी डाले हुए हैं क्योंकि सिल्ली में ही लिए थे, और मेरा एक दो नींबू जो है खुजरा भी था। सकते हैं बोलना तो पूरा आलू खत्म कर दिया मेरा नींबू जो है, मिर्चा देखिए इतना थोड़ा बचा हुआ है और नींबू इतना बिक गया, पूरा फूल डाल लिया था और अभी इतना बचा हुआ ही है, कल सुबह को फिर मार्केट ले जाएंगे, और आलू इतना थोड़ा बिका। देखिए बाजार आज पूरा खराब है, भीड़ ही नहीं हुआ है थोड़ा, सब बिके सिराइन दिलो आलूटा, प्याज तो खाली बाँचे छे बूढ़ा। आइए नींबू ले लो, नींबू कश्मीर का नींबू ले लो, चलो 10 का 3, 10 का 2, 20 का 3, आइए नींबू खाओ जी ऑफर में आओ जी। तो दोस्तों तो अभी मैं जो है घर पे हूँ और थोड़ा वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तो ये वीडियो जो है कल का था, तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और गाइस अभी जो है पूरा धूप है, मतलब 42 डिग्री सेल्सियस अभी हमारे यहाँ पर है, 42-43 डिग्री, मतलब बहुत ही धूप, और इस धूप में वहाँ पर 11 बजे तक हमको बेचना पड़ता है, 11-12 बजे तक मार्केट में,
एक बोरा नींबू बेचना पड़ता है, मतलब 500 कमाने के लिए बहुत मेहनत गाइस, इतना धूप में रहना पड़ता है, फिर उसके बाद शाम को फिर दुकान लगाओ फिर बेचो, मतलब दोनों टाइम मिला के 1-1.5 बोरा बेचते हैं, 1,000-1,500 पीस नींबू बिक जाता है। और देखिए समय के साथ साथ आदमी को चेंज होना चाहिए, तो अभी जो है गर्मी का सीजन है तो इसलिए आलू हम बेचते हैं 365 दिन आलू का ही दुकान लगाते हैं, तो आलू अभी थोड़ा कम बिकता है तो इसीलिए नींबू बेचते हैं, और नींबू जो है अभी हर आदमी को ज़रूरत होता है तो इसलिए बिक भी जाता है, और जो है अपना घर उसी से चलता है, जो है खर्चा वगैरह रूम रेंट सब देना पड़ता है बाजार उजार का, तो इसलिए वीडियो भी बनाता हूँ, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको इस प्रकार का वीडियो अच्छा लगता है तो मैं बनाता रहूँगा, और कितना कमाता हूँ वो भी आपको दिखाऊँगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि एक दिन का एक बोरा नींबू में कितना फ़ायदा हो जाता है, तो वो भी दिखा सकता हूँ, बट आप कमेंट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।